चैलेंज जितना हो स्वीकार करते हैं। अब तो जन जन मन मन कन कन में जन अधिकार है। सेवक और बेटा तो सबके घर में चाह गया है, पप्पू सेवक, पप्पू बेटा। छाप छीन ले या जो करे, इसी छाप से हर हाथ को काम देंगे। इसी से जुमलेबाज को, झूठ बोलने वाले को, माफिया अपराधी को कैंची से कतरेंगे भी। ना मैंने तो अपील कर दिया लालू जी से, कहा कि बचा लीजिए बिहार। भावनात्मक लगाव बचपन से रहा है, जन्म आपने बेटे को दिया है, लेकिन जो रिश्ता हमारे और आपके बीच रहा, आज बिहार के लिए एक बार और कुर्बानी देने की जरूरत है। बिहार चाहता है। जनकपुर से बस का हंजी हरी झंडी दिखाया, आज तक नहीं चला। तो चुनाव के समय ये जो कैबिनेट डिसीजन था, ये डिसीजन, ये जो, तो क्या नीतीश जी अब नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े गए, आ गए औकात में? नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का जो सिंबल है वो अब हॉकी बॉल से कैंची हो गया है। चुनाव से पहले सिंबल का बदल जाना बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सर, चैलेंज जितना हो स्वीकार करते हैं। अब तो जन जन मन मन कन कन में जन अधिकार है। सेवक और बेटा तो सबके घर में चाह गया है, पप्पू सेवक, पप्पू बेटा। किसी माँ से पूछिएगा बोलेगा हमारे बेटा पप्पू, या किसी पिता बहन से पूछिएगा तो बोलेगा सेवक है ना पप्पू, सब करेगा। तो छाप छीन ले या जो करे, इसी छाप से हर हाथ को काम देंगे। इसी से जुमलेबाज को, झूठ बोलने वाले को, माफिया अपराधी को कैंची से कतरेंगे भी, ब्लैक कॉलर को कतरेंगे भी, है ना? कैंची, कैंची कहाँ कैंची है ना? आपको क्या मतलब, आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी सरकार के साजिश का शिकार हुआ, मतलब चुनाव आयोग सरकार के दबाव का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या बहस है भाई। सारी संस्थाएं ध्वंस कर दी गई 6 साल 7 सालों में। सुप्रीम कोर्ट जब निकल के बोल सकती है, रिजर्व बैंक गवर्नर जब भाग सकता है, तो चुनाव आयोग किस खेत का मूली है भैया? भैया आप, हम पार्टी तो अलग अलग टूटी थी और उसने एक ही दोनों ग्रुप ने मांग दिया था, तो आप उसको बदले। हमारा तो कोई पार्टी नहीं टूटा था, कोई अलग नहीं हुए थे, तो फिर मेरे साथ साजिश क्यों हुआ? हमको आपने लास्ट में क्यों ख़त्म किया? तो बड़ी गहरी साजिश हुई। अभी जन अधिकार पार्टी क्या सोच रही है 2020 के विधानसभा चुनाव? सोचना, मैंने तो अपील कर दिया लालू जी से, कहा कि बचा लीजिए बिहार। भावनात्मक लगाव बचपन से रहा है, जन्म आपने बेटे को दिया है, लेकिन जो रिश्ता हमारे और आपके बीच रहा, आज बिहार के लिए एक बार और कुर्बानी देने की जरूरत है। बिहार चाहता है। आप अपने ही दल के किसी दलित या किसी अत्यंत पिछड़ा कुशवाहा सीनियर को बनाइए और अपने फैमिली में आप डिप्टी सीएम बनाइए, कोई आपत्ति नहीं, हम बिना शर्त समर्थन लेंगे। और हमने कांग्रेस को बोला साफ शब्दों में कि आप रामविलास जी से बात कीजिए, जब नीतीश जी जीतनरामा जी से बात करके कर सकते हैं तो आपको क्या आपत्ति? आज बड़े कुनबे बनाने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के हाथ जोड़ता हूँ, ये बार बार राजनीति, ये जबरदस्ती बिहार का 1,64,000 रख के GST का पैसा नहीं दे के, टाल और दियरा पर कोई बात न करके, आश्चर्य होगा आप स्मार्ट सिटी पर बात नहीं करते हो, आप सीवरेज 109 तो ये तो 13 तो ये चलने वाला है क्या? हाँ, जिसने सब कुछ को नाश कर दिया, जिसने कुछ दिया नहीं, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं करते हैं ये, तो आज सबसे बड़ा सवाल है बिहार और बिहारियों को इतना अपमान करना और इस हालात में पहुंचा देना, 26वें नंबर गरीबी, 25वें नंबर भूख, और कोई हाथ को काम नहीं है, 100 रुपया किसी के पास नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं करना, पुरानी कोई बात पर चर्चा नहीं करना, विशेष राज विशेष पैकेज पर चर्चा नहीं करना। जनकपुर से बस का हंजी हरी झंडी दिखाया, आज तक नहीं चला। तो चुनाव के समय ये जो कैबिनेट डिसीजन था, ये डिसीजन, ये जो, तो क्या नीतीश जी अब नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े गए, आ गए औकात में? यही है। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखते हैं, 3 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है, इससे आप क्या देखते हैं? राजद को कितना नुकसान होगा इससे? कोई नुकसान क्या है, राजद लालू जी बगैर, लालू जी और रघुवंश बाबू एक दूसरे के पूरक थे, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। जो सम्मान लालू जी ने दिया, UPA ने दिया, वो तो कभी दिया ही नहीं, हर दिन ब्रह्म बाबा गाली दिए। NDA जो बकबक करता है, जॉर्ज को कितना बेइज्जत किया, जॉर्ज को मारने में गहरी साजिश जदयू की,
गफूर चाचा को किया, राम सुंदर दास को किया, शरद को किया, लालू को 2015 के बाद फिर बेइज्जत करता है, जीतन राम मांझी को सम्मुख बद किया, ये तो सब करता ही है। इसमें नुकसान का क्या, सब पार्टी औकात है तो सब पार्टी 47 56 बालू माफिया को टिकट नहीं दे, सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। हमने घोषणा पहले भी किया हुआ और संकल्प लेते हैं कि एक भी टिकट नहीं देंगे। जनता से क्या सहयोग चाहेंगे आपके चुनाव चिन्ह बदले जाने पर? जनता जवाब देगी, सहयोग नहीं चाहेंगे। जनता जवाब देगी, जनता विकल्प चाहती है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ा जनता नीतीश लालू जी से, हाथ पैर पकड़ के कि एक बार बिहार बचा लीजिए और अपने पुत्र में और परिवार से निकल जाइए। मेरा आग्रह है, मैं लालू जी बिना शर्त जय, जो आदेश होगा मैं उसका अक्षर स्वपालन करूँ। चलिए, तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।